Hello everyone, welcome to Career Junction Odisha. I am Srimant, your career mentor, going to discuss some important questions related to ASO. Friends, previous question ame nei thile ASO ro kichi previous year question nei thile previous video re. Aji ame previous year question no nei ki aji kichi practice question nei chanti. Tale asantu deri na kari video ti ko start kariba. So dear friends, here is some questions. Tale bartan dekhiba first question kon. Our first question is find the missing character. फ्रेंड्स मिसिंग कैरेक्टर रीजनिंग रो गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर तुम माने एथरे पिला मैक्सिमम पिला टिके बीट होंदी तो तुम माने देखबे आज किछ किछ लॉजिक मान को कहि देबी जति कि आगु को प्रैक्टिस सेट तुमरा सॉल्व करैबी त किछ किछ क्वेश्चन तुम मान को ड्रा करै देबी तले कांसेप्ट तुम जानि गेलो तले एथे देखबा तले लॉजिक देखो रे टिके समस्या टिके निजे निजे वीडियो पॉज करके वीडियो टिके सॉल्व करो क्वेश्चन नको तले देखबा लॉजिक बर्तन एथे तुम मान को कहि दोस के नै तु वेट करि रहल लेंदी जो वीडियो टा तले एथे लॉजिक कोन पड़ी छी तले सिंपली मन रखबे एटा गोटे टेबुलर फार्मूला छी टेबुलर फॉर्म को कर गया मैं सिंपली इधर रो वाइज सॉल्व होई थी किबा कॉलम वाइज सॉल्व होई थी चल एडी मार करो चल एडी देखा जाओ जी कौन है जी अरे 176 56 148 45 236 पॉसिबल चल एटा मेबी से कौन है तो ना रो वाइज सॉल्व होई थी बा कॉलम वाइज सॉल्व होई थी तले देखला फर्स्ट कॉलम वाइज कौन है जी चल एडी मते लॉजिक देखा जाओ जी की 1 प्लस 7 इनटू 1 प्लस 6 चल एडी देखियो तले 1 प्लस 7 केते Now 1 plus 7 is 8, 1 plus 6 is 7. Tally 8 into 7 is equal to 56. Similarly, 1 plus 4 into 1 plus 8 is equal to 5 into 9. That equals to 45. The next one is 2 plus 3 into 2 plus 6. Tally it is equal to 5 into 8. That equals to 40. The two answer it is equal. And the answer it is equal. केते 90 इज 40 क्लियर तो फ्रेंड्स एटा बहुत इजी तुम मान को टिके भी डिफिकल्ट हबा प्रश्न ही नहीं काई ना क्वेश्चन जदी तुम कांसेप्ट ठीक से जानि छो ताले ओरी डबर किसी चांस नहीं आराम से तुम क्वेश्चन को 15 सेकंड भीतर क्वेश्चन को सॉल्व कर देबो क्लियर फ्रेंड्स हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन तुमरो का रे मैं कैलेंडर क्वेश्चन क्वेश्चन कौन कहि देखो सो इज इफ 1st जनवरी 2018 वाज ऑन वेडनेसडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 12th जनवरी 2019 तो पहिले बहुत सिंपल क्वेश्चन कौन करबा ऐसे क्वेश्चन को कहि छी कि 1st जनवरी 2018 जदी वेडनेसडे हुए तले पचा छी कि 12th जनवरी 2019 को बर हो तो सिंपली फ्रेंड्स मन रखिया को परिवार ने जरे के बैलेंस कर के चलबे से कहि छी कि 1st जनवरी 2018 तले वेडनेसडे आला तले मन इथि लिखि परबे कि न लिखि कि मन लिखि परबे 1st जनवरी 2019 को बर हो बुझला कोन भई कैना समस्या जानि छथि कि गोटे ऑर्डिनरी ईयर रे ऑड डे केता आसे ना ऑड ऑर्डिनरी ईयर रे ऑड आसे गोटे बट लीप ईयर रे ऑड केता आसे ना ऑड आसे दी तो एठी एठी जदी 1st जनवरी 2018 रु 1st जनवरी 2019 गोटे ईयर तले 1 ईयर रे केता आसे जीवो ना एठी आसे जीवो 1 ऑड तो सिंपल एठी मु को करि परि कि 91 ऑड नै परि प्लस आ कोन असि मते पचार छी को जाने ना मते पचार छी कि 12th जनवरी तले 12th जनवरी जदी 1st जनवरी पडे ला आवे केते आवे 11th जनवरी तो 11th जनवरी पई सिंपली हम को करि तले टोटल हे गेला 12 तले 12 हे गेले ए जगह कोन करबी ना ए जगह मो ऑटे आउछ तले ऑटे केमि बाहरबो ना 12 डिवाइडेड बाय 7 तले जदी 12 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर केते बडी गेला ना 7 के थबो 7 1 7 तले बडी गेला केते ना 5 क्लियर तले बडी गेला केते 5 तले जहा बडी को सेटा को कोन होए ना सेटा को कोन डिटरमिन करिया ना तो ऑटे बोली कोन क्लियर तले ए ऑटे केते हबो ना 8 ओर्डिनेंस दे प्लस 5 तले एटी ओर्डिनेंस दे प्लस 5 हेले के हबो ओनली टॉपिक क्या सिबो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तले तो आंसर कोन हबो ना तो आंसर हिबो मंडे क्लियर तले एटी के मार्क कर दियो जाय हे दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एटा को क्वेश्चन एटा मैथमेटिकल ऑपरेशन नो कांसेप्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन बा मैथमेटिकल रीजनिंग जोटा हम कोजे हैला सेई चैप्टर नो कांसेप्ट क्वेश्चन तले क्वेश्चन पछि कि द सम ऑफ एजेस ऑफ राकेश एंड राहुल इज 78 राहुल एज इज ट्वाइस द एज ऑफ राकेश व्हाट इज द एज ऑफ राहुल तो सिंपल जिसो बहुत इजी क्वेश्चन तले क्वेश्चन को सॉल्व केमि करियो मन रखो बिले सबटा बडा जिंस हो अप्रोच तुम अप्रोच करे भूल कर दिजो तले से क्वेश्चन सॉल्व हो जनी क्लियर तले फर्स्ट देखिया कोन से कहि कि सम ऑफ एज ऑफ राकेश एंड राहुल तले लिख परबा इथि लिख परबो मु राकेश को राकेश प्लस राहुल इज इक्वल टू केते ना 70 बहुत मन रखिबो कोनोसी क्वेश्चन को केबे कॉम्प्लेक्स करिवनी जत्ते सिंपलीफाई करिबो क्वेश्चन इजी हिजो तापर को कहि छी राहुल सेज इज ट्वाइस द एज ऑफ राकेश ता माने को कहि छी से कहि छी राहुल रे राकेश रो एज तो राकेश रो एज रो कोन ट्वाइस बा डबल ता सपोज मु राकेश को मने छी एक्स जदी राकेश हे ला एक्स ता राहुल केते हिजो ना तार ट्वाइस दैट मींस 2x ता इज इक्वल टू केते 78 एटा लिखि परबी ता
তাহলে এটা আউট এটা সিম্প্লিফাই করব না 3x 78 x 78/3 তাহলে কত হয়ে যাবে তাহলে 26 আচ্ছা এই যে x বাহির লাইক এস কার না এস ইজ হচ্ছে রাকেশ কি মতলব क्वेश्चन কোন বুঝছিস না হোয়াট ইজ দ্য এজ অফ রাহুল তাহলে রাহুল কত না রাহুল হচ্ছে 2x যদি x হচ্ছে বলে 26 তাহলে 2x কত 52 তাহলে রাহুল এর এস কত হয়ে যাবে না 52 ক্লিয়ার হোপ क्वेश्चन তোমরা ভালো বুঝি পারছো কিছু অসুবিধা হবে না ক্লিয়ার তাহলে নেক্সট क्वेश्चन দিবা फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कोई चीज कौन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जो तुम्हारा कौन है ना ये क्वेश्चन हो जो वार्ड फॉर्मेशन का कांसेप्ट तले ये को चैप्टर हो ना ये हो जो वार्ड फॉर्मेशन क्लियर वार्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत इजी मैं कहता रोटेट वैरायटी ऐसी रोटेट टाइप ऐसी छोटा की देखिए देखियो तुमको बड़े फिक्स लेटर पिछला देखियो ताको लेके कितना वार्ड फॉर्मेशन है मीनिंगफुल सेटा ठीक है लिटिल बिट डिफिकल्ट बाकी बड़े को बहुत इजी बड़े छोटे सेकंड में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन को वैसे देखो फ्रॉम द गिवन वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैनॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड ओपन इज टोकन इज तले ए वर्ड रु कोन कहि छि से कहि कि ए वर्ड रु लेटर मान को पिक करबा पिक कला परे ओ वर्ड ता फॉर्मेशन हेई पई माने मो ऑप्शन दे दिबा वर्ड रु कि ये फॉर्मेशन हबो नि फ्रेंड सिंपली माने रखिबो कि जो लेटर ता तुम ऑप्शन रे ए वर्ड भीतर नहीं सेटा हो तुम आंसर सिंपल जिंस देखो के एलिमिनेट करियो तले सिंपल मते आखी बंद करके खोलला बेले को देखा जाउ छि कि के नेम्स रे ए टोकनिज्म रु कि नहीं ए नहीं তাহলে এই আকারে দেখো টি ও কে ই এন আই এস এম তাহলে এইটুকু এই নাই তাহলে এইটা হবে তোমার आंसर মনে রাখিও আর দেখো এমিট হই পারিব ই এম আই টি হই পারিব স্টোন হই পারিব এস টি ও এল ই হই পারিব নয়েজ এল ও আই এস ই নয়েজ হই পারিব তার মানে এই সমস্ত ওয়ার্ড ফর্মেশন হই পারে কিন্তু क्वेश्चन মতে কোন কইছি ক্যান নট বি ফর্ম কোটা ফর্ম হই পারিব না তাহলে তোমার आंसर কোন হবে না নেম সর তোমার आंसर কেন না এই টোকেনিজম রে এ নাই ক্লিয়ার তাহলে এই টাইপের क्वेश्चन কো বহুত জলদি তুমি সলভ করিব তোমাকে বুঝাউতে বলি টিকে টাইম লাগিলা কিন্তু তুমি মানে ডাইরেক্ট ক্যাশ করিব কোন কি ওয়ার্ড রে থিনা লেটার পড়া কো ও অপশন রে নাই বা কো অপশন রে আছে যেটা থিব সেটা হবো না ক্লিয়ার তাহলে নেক্সট क्वेश्चन না কোন নেক্সট क्वेश्चन তো তোমার ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন क्वेश्चन লাগে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন তো পলে এই क्वेश्चन কো কেন হ্যান্ডেল করব সিম্পল জিনিস তুমি গড়া বর্মা স্কুল ফলো করিব এই বদমাস ফর্মুলা রে সব জায়গা क्वेश्चन সলভ হবো বদমাস ফর্মুলা যদি জানি না টিকে লিখি কি নোট ডাউন করে নিও বি ফর ব্র্যাকেট ও ফর অফ ডি ফর ডিভিশন এম ফর মাল্টিপ্লিকেশন এ ফর অ্যাডিশন এস ফর সাবট্রাকশন 1 2 3 4 5 6 ক্লিয়ার তো এতিকি ফর্মুলা তুমি জানি গলে বাকি ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন এই টাইপের क्वेश्चन ইজিলি সলভ হইব লেস দ্যান 10 সেকেন্ডের क्वेश्चन সলভ হবো ক্লিয়ার তাহলে বর্তমান क्वेश्चन তুমি দেইছি কি ইফ এ মিন্স প্লাস বি মিন্স ডিভিশন সি মিন্স ইনটু এন্ড ডি মিন্স মাইনাস তো সিম্পলি তুমি ব্রেন রে সিম্পলি কম করে পড়িব না অপারেশন করে পে পড়িব কোন কি মতলব আগো কি আসিব না দেখো এই क्वेश्चन ভিতর মতে কোনসি জায়গা ব্র্যাকেট নাই কোনসি জায়গা অফ নাই তাহলে স্টার্ট কোনটো কোন ডিভিশন तो सिंपली पिक करिबा एक गोटे लाइन में सॉल्व करिबा त सिंपली पिक करिबा का ना फास्ट पिक करिया का डिवीजन को नेक्स्ट पिक करिया का ना मल्टीप्लिकेशन को नेक्स्ट पिक करिया का ना एडिशन को हैला नेक्स्ट पिक करिया का लास्ट के अछि ना ऐड करिबा सबट्रैक्शन क्लियर त सिंपली जहां जहां अछि सही सही सब चलो त लेट मु लिखि परियो 187 बी फॉर डिवीजन 17 सी फॉर इनटू 4 ए फॉर केसे प्लस 7 माइनस 17 सिंपल सिंस साइड मार करो তাহলে 187 বাই 17 কত হইছো 11 11 ইনটু 4 কত হইছো 44 44 প্লাস 7 কত হইছো 51 মাইনাস 17 তাহলে কত হইছো 7 হইলে 4 4 হইলে কত হইছো 34 34 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যানসার ক্লিয়ার তো সিম্পলি তুমি কোন করিবো এই কি তোমাকে বুঝাইবে গোটা স্টেপ নেছি তুমি এইটি সলভ করিবো क्वेश्चन কি ডিভিশন তো তাহলে এটাকে ডিভাইড কর দাও তারপর মাল্টিপ্লিকেশন জিতবো তারপর মাল্টিপ্লাই করিবো তারপর অ্যাডিশন করিবো তারপর সাবট্রাকশন করিবো ক্লিয়ার হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য क्वेश्चंस आउ किसी क्वेश्चन तुम ऑन पॉइंट ओसी आउ किसी क्वेश्चन देखिबा क्लियर फ्रेंड्स हियर आर सम क्वेश्चंस तले बर्तन देखिबा क्वेश्चन कोन अछि से कहि कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंस्टेंट इज रिटन एज आई ओ यू डब्ल्यू ई एस जेड हाउ इज फॉरगेट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज तो फ्रेंड्स ये को टाइप रो क्वेश्चन ना यूज करो कोडिंग डिकोडिंग रो क्वेश्चन तले कहा रो ना ये कोडिंग एंड डिकोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग तले क्वेश्चन को सॉल्व केति करिबा तो सिंपल जिनस लिखी दबाट क्वेश्चन
ऑलमोस्ट पाखा पाखी सेम असे तले एडी लॉजिक कोन देखा जाउ छी ना एडी प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 केमि जानिले देखो ये टिके मार कर दला आई प्लस 0 ले से आई आसेला एन प्लस 1 देखो एन प्लस 1 ले ओ आसी छी एस ले टी यू आसी छी टी ले यू वी डब्ल्यू आसी छी बुझियाला तले लॉजिक एडी कोन थिबो तले क्वेश्चन पछे छी कोन ना फॉरगेट एफ ओ आर जी ई टी सिंपल जिंस प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 क्लियर बुझला तले एडी कोन हो एफ एफ एडी केते एफ आसी जीवो ओ लिखे हो ओ पी एडी के हो आर ले एस टी जे लिखे हो एच आई जे क्लियर तले सॉरी जी लिखे हो एच आई जे ठीक है तले ई हेले केते हो ए लिखे हो ए ले एफ जी एच के हो देखो जी ई हेले केते हो एफ जी एच आई के लिखे जो टी प्लस 5 टी प्लस 5 लिखे जो ना हो भाई क्लियर तले के आंसर के जो ना एफ पी टी जे आई होय क्लियर तो एटा बहुत ही इजी तुमार किछ असुविधा नै बाकी कांसेप्ट के जति जानि हो लॉजिक का इजीली तुमे फाइंड आउट कर दे तले नेक्स्ट क्वेश्चन देखि आसा नेक्स्ट क्वेश्चन बिले एटा तुम मान को पई टास्क रख दिउ हम तुमे माने सॉल्व कर के कमेंट बॉक्स रे मेंशन करबो काई कि तुम मान क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन भी तुम मान को मु दउ छी तार किछ लॉजिकली किछ रिलेटेड अछि किछ नुवा नुवा लॉजिक मु इंट्रोड्यूस करे कि तुम मान को पई आनि छी तो तुम माने ए क्वेश्चन सॉल्व कर के कमेंट बॉक्स रे मेंशन करबो क्लियर तले क्वेश्चन एक्चुअली पढ़ि दउ छी कि फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज तुमको मु गोटे गिवन गोटे सीरीज गिवन अछि कि तुमको दे छी कि नेक्स्ट सीरीजटा कोन हो पर नेक्स्ट नंबर तो हमर कोन हो क्लियर अच्छा प्रीवियसली तुम जो क्वेश्चन दे थी से क्वेश्चन डाटा के देखो केमि थिला क्वेश्चन थिला 34 इज इक्वल टू 19 देन हाउ इज 59 इज इक्वल टू 59 ता केता हो तो सिंपली मन रखियो तले ए जगह 34 अछि तले लॉजिकली जे तमे भाबीबा तले एहि दे आसी छी 3 * 4 क्लियर प्लस 3 प्लस 4 तले केते हि जो एटा 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19 क्लियर तले एटी कोन होइबो ना 5 * 9 प्लस 5 प्लस 9 तले एटी केते होइबो 45 प्लस 14 दैट इक्वल्स टू 59 को ऑप्शन रे 59 गो आंसर थिला 59 इज गो आंसर क्लियर सो मान रे जाके देखि दो जदे वीडियो देखिनो वीडियो टा को एबे भी जाके ठीक है देखि दियो कि इजी आसे तुम बुझिया पई छौ अच्छा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन तुमर अछि ब्लड रिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन तुमर ब्लड रिलेशन किसे पिला नंबर ब्लड रिलेशन के फेवरेट थाए क्लियर तले तुम मान नंबर हो फेवरेट थिबो तले बर्तन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन देखिबा एटा को इठु टिके गायब कर देबे स्क्रीनशॉट नै जा दुंगा क्वेश्चन क्लियर तले नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तन देखिबा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को होइ छै कि हितेश एंड नितेश आर ब्रदर्स तले कि सिंपली पके दो कि से ना हितेश एंड नितेश आर ब्रदर्स नितेश नितेश हो छि नितेश क्लियर तापर कोन होइ छि सौम्या इज द फादर ऑफ हितेश सौम्या इज द फादर ऑफ हितेश तले सौम्य सौम्या मेरे पे सौम्य सौम्य इज द फादर ऑफ हितेश एंड सोनाली इज द वाइफ ऑफ नितेश सोनाली इज द वाइफ सोनाली इज द वाइफ मींस कोन तले सोनाली इज द वाइफ सोनाली इज द वाइफ ऑफ नितेश सॉरी अरे हे मिस्टेक हो गई थी तले सेठी कोन छि कोन तले कहि कि सोनाली इज द वाइफ ऑफ सोनाली इज द वाइफ ऑफ नितेश ओनली ब्रदर तले नितेश ओनली ब्रदर केसे ना हितेश तले हितेश रो वाइफ केसे ना हितेश रो वाइफ होछि के ना सोनाली तुमे जदे एटी नितेश अगर नै जीवो तले कंफ्यूज होइ जीवो आंसर भूल हिजो क्लियर तले एटी सोनाली गेलो वाइफ आ कोन होइ छि देखो आ कोन छि कि शुभ्रा इज द डॉटर ऑफ सोनाली तले एटी नै पेलम का हो ना शुभ्रा शुभ्रा इज द डॉटर सॉरी यार अर्थात क्वेश्चन बचे छि कि हाउ इज शुभ्रा रिलेटेड टू सोम्या तले शुभ्रा शुभ्रा सोम्या रो कोन हो माने गदीटा जनरेशन ऊपर गसलानी तले निहाति कोन हिजो ये तरह ना ये तरह कोन हो ने ये हो ग्रैंड डॉटर ये कोन हिजो ने ये जो ग्रैंड डॉटर क्वेश्चन पचार छि कोन ना हाउ इज सुभ्रता सुभ्रता कोन आ तोर आंसर के से कोन क्लियर बुझला हले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहि छि नेक्स्ट क्वेश्चन कहि छि ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग चूज द करेक्ट ऑर्डर इन तले सिंपली कहि छि कोन ना मिसिंग कैरेक्टर बाहर बा मिसिंग नंबर बाहर नंबर सीरीज क्वेश्चन बा लेटर सीरीज क्वेश्चन बा वर्ड फॉर्मेशन बा वर्ड क्वेश्चन तले कहि छि कि जालियान बाग मासाक्रे साइमन कमीशन दाडी मार तले नेक्स्ट के आसो सिंपल जिंस मिले एटा तुमर कोन ना एटा तुमर एनालॉजी रिलेटेड क्वेश्चन जदि तुम हिस्ट्री मन नै तले क्वेश्चन सॉल्व कर परबो नै डेफिनेटली तुम्हें क्वेश्चन छाड़ के सो क्लियर तले कोन हो ना सिंपली मन रखिबा कि ये केबे को ईयर रहि क्लियर तले जालियांवाला बाग मासाक्रे केबे हिथला ना जालियांवाला बाग मासाक्रे छि 1919 क्लियर आ के रहिला ना तापर के आसी छि ना साइमन कमीशन केबे हि छि 1900
27 क्लियर 1927 आउ कोन होइला नाम होइछ नेक्स्ट केसे साइमन कमिशन होला दांडी मार्च केबे होइछ ना 1930 क्लियर ताले एटी कोन देखु छ तू देखु कि मार्कर एपटे टिके मो ओनली ऑनलाइन कर दो छ तू बुझि परबो ताले एटी जानुवारी मास रे कोन होइछ ना जानुवारी मास रे होइछ 1919 नेक्स्ट आसे लेके साइमन कमिशन 1927 तापर के आसी जिना दांडी मार्च नाम रे को दांडी मार्च केते 1930 त माने सब गोडा कोन होइछ ना ईयर वाइज इंक्रीज हो जाइछ तले नेक्स्ट के हो ना नेक्स्ट पिला हो के से ना क्विटिनो मोमेंट को भाई ना क्विटिनो मोमेंट के दासी 1942 क्लियर बाकी ये गोडा देखो एटी गोडा दासी एडवेंट ऑफ फ्रेंच एडवेंट ऑफ ब्रिटिश संपूर्ण सदैव ए माने कोन होइ छते ना ए माने बहुत पूर्व रो छ क्लियर तुम अगर जदी हिस्ट्री पढ़ो तो तुम अगर आउट के बेटर हो है ना बुझे में तुमको आंसर के हो ना क्विटिनो मोमेंट हो क्लियर तले आउट गोडा दिना क्वेश्चन हो छी सो डियर फ्रेंड्स ये तुम मान को पई थिला किसी प्रैक्टिस मॉक एसओ पई तो प्ले रीजनिंग प्राय तो सब एग्जाम रे तुम मानको आसुची तुम माने टिके लॉजिकली जदी क्वेश्चन गोडा को जानि परबो कांसेप्ट गोडा बुझी परबो तले एमिति कोन से एग्जाम नै जोंथरे कि तुम माने स्कोर कर परबो नै क्लियर तो एटा थिला तुम मानको पई गोडा शॉर्ट वीडियो एथि पई करी छी काहे कि ना प्लेयर मे भी नुवा पिला जो माने मो वीडियो देखु चंदी से माने टिके इरिटेटेड फील करथुबे टिके अपॉइंटमेंट मो सेता हे गेलो तुम माने आहु रही छी जो क्वेश्चन लॉजिकली तुम जानि परबो क्लियर होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कांसेप्ट व्हाट आई एम सेइंग होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम टुडेज वीडियो आसुची आशा करू छी कि आहुरे आगु तुम मानक पई भलो भलो वीडियो लेके आसीबी आहुरे टिके नुवा नुवा लॉजिकली तुम मानको रिलेट कला बळे तुम माने जेति जानि परबो एग्जाम रे सॉल्व कला बळे क्वेश्चन आहुरे किछ नै आसीबी जदी वीडियो टि तुम मानको भल लागिसि देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू सो मच।